सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, जैसे कि आप लोग को पता है, न्यू ईयर आने वाला है कुछ ही दिनों में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक नया चैनल बनाने की सोच रहे होंगे। तो आपका भाई आपके लिए ले आया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप 4K हाई क्वालिटी तक की स्ट्रीम कर सकते हो 60 FPS पर, वो भी सिर्फ अपने चार्जिंग केबल को यूज करके, बिना किसी एलगाटो के, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर स्काउट और मोटर जैसे करते हैं। डाउनलोड और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार अगर कहीं पे कुछ भी मिस हो गया ना, तो यार फिर तुमको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए एंड तक देखना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। तो अभी चलते हैं वीडियो के अंदर। आप DAO-1 का यूज करके YouTube, Twitch या Facebook पर इजिली स्ट्रीम कर सकते हो थ्रू OBS। यहाँ तक कि DAO-1 को आप एज ए वर्चुअल कैमरा भी यूज कर सकते हो, जिसको आप इजिली फोन की स्क्रीन कैप्चर करके अपने लाइव स्ट्रीम में यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। भाई DAO-1 आपको अलाउ करता है 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 से 100 FPS तक मिररिंग, तो है ना ये कमाल की बात। इसी वजह से काफी बड़े यूट्यूबर्स DAO-1 का यूज कर रहे हैं एलगाटो की जगह। और इसमें आप अपने मन के हिसाब से स्क्रीन क्रॉप कर सकते हो, वीडियो डिस्प्ले एडजस्ट कर सकते हो, और तो और वीडियो को जितना मन चाहे उतना रोटेट भी कर सकते हो। जितनी इस सॉफ्टवेयर की तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई आप 128 डिवाइसेस मिरर कर सकते हो एक ही टाइम पर, है ना माइंड ब्लोइंग फीचर। ये इसी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा और किसी में नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो लिंक में आपको क्लिक करने के बाद देखो ऐसा कुछ खुलेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको इसमें से चूज करना है। उसके बाद जैसे मेरा विंडोज़ है, तो मुझे ये विंडोज 64-bit का करना है। आप क्लासिक वर्जन भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं विंडोज 64-bit करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 64-bit का डाउनलोड हो गया, ठीक है। देखो जैसे ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब इस पर क्लिक करेंगे हम। तो मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, इसको इंस्टॉल होने दो। यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और अब इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये खुल चुका है। अब मैं इसमें करूँगा कनेक्ट अपना जो चार्जिंग केबल है, उसके बाद देखो स्क्रीन रिकॉर्डर भी फोन की यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो ये पूछेगा, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे खुल चुका है DAO-1 का, और ये देख सकते हो कि ये काफ़ी स्मूथ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे अब मैं आपको BGMI खोल के उसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कि कैसी क्वालिटी हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है DAO-1। तो यहाँ पे देखो मैंने BGMI को खोल दिया है, और यहीं से लोडिंग स्क्रीन से ही देखते हुए पता चल रहा है कि भाई कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो हमको इसमें जैसे डायरेक्ट फ़ोन में मिलता है, वैसे स्क्रीन मिरर हो रही है यहाँ पर भी। जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में भाई देखने वाली बात है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े ब्लरी दिखते हैं, थोड़े फटे फटे दिखते हैं। पर इसमें देखो यार, मैं यहाँ पे तुमको घुमा के भी दिखा दूंगा कैरेक्टर को, और ये देखो यहाँ पे कैरेक्टर घुमा रहा हूँ तो बिल्कुल भी भाई कुछ भी फर्क नहीं लग रहा है। जैसे फ़ोन में लगता है वैसे सेम फील आ रहा है। तो अगर तुमको यार जाना है कि क्वालिटी बढ़िया हो, जैसे एलगाटो के थ्रू होती है स्ट्रीम, तो भाई मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि यही प्रोडक्ट लो, ये बेस्ट प्रोडक्ट है इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ में भाई बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं कि पैसे ज़्यादा है, ये चीज़ तुमको देखते हुए उस चीज़ को डिलीवर की जा रही है, तो मेरे हिसाब से यही लेना चाहिए। तो यार अब चलते हैं OBS पे, वहाँ पे मैं तुमको बताऊँगा कि कैसे तुम इससे OBS के थ्रू सेटअप कर सकते हो अपनी स्ट्रीम को। भाई ये आ चुके हैं OBS में, जैसे कि तुम देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर दूँगा यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक, और यहाँ पे तुम चूज़ कर सकते हो गेम कैप्चर में से, विंडो कैप्चर में से, डिस्प्ले कैप्चर में से। तो यहाँ पे मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि विंडो कैप्चर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे ओके क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ से तुम अपने जो स्क्रीन है फ़ोन की वो चूज़ कर लो। उसको चूज़ करने के बाद यार तुमको देखो ऐसे ये स्क्रीन दिखने लग जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे देखो मैं जूम इन कर रहा होता हूँ इसको ऊपर रखने के लिए। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम इसमें क्रॉप कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, जैसे तुमको लगे अपने हिसाब से तुम इसमें रख सकते हो, और फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस किसका वेट कर रहे हो, आज ही डाउनलोड करो DAO-1 को।
नाइस मिररिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।